Hi and welcome again in the classes in the video for the student of the class 12th children. This is the new topic for the physical education. Sharik Shiksha ke liye new topic hai unit number 8 and new topic is physiological factors determining the components of physical fitness. Physical fitness There are five physical fitness components, and first physical component is strength. Strength is related to your muscles, yani ki muscular strength. There are various physical fitness that determine the component physical fitness, such as strength, speed, endurance, flexibility. And the various physiological factors that determine physical fitness are described below. First of all, we know that what is the strength. Strength is related to your muscles. Strength, what is strength? Strength is strength, we can say that the group of muscles and single muscles the exert the force and against the any resistance, that is strength ability. The various physiological factors which determine the strength of an individual stated below. Number one has size of muscles. The strength of muscles largely depend upon the size of muscles. Ye jo hamari aap dekh rahe hain, this is the strength of muscle. This is the deltoid muscle, this is biceps muscle, this is triceps muscle, this is thigh muscles, we can say quadriceps, ye hamari pet ki muscles hain. So there are 600 muscles in our body approximately. We know that strength of muscles largely depend upon the size of muscles. Muscles ke jo strength hai wo depend karti hai uske muscles ke size par. It is well known fact that bigger and larger muscles can produce more force. Jitni badi mass peshi hogi utna hi bada force produce karegi, right? The force produced by the same size of muscles male and female. Male or females mein agar size barabar hai to same फोर्स प्रोड्यूस करती है, बट वी नो दैट द साइज ऑफ मसल्स ऑफ मेल्स इज लार्जर अकॉर्डिंग इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल. सो मेल्स आर फाउंड टू बी स्ट्रोंगर बिकॉज दे हैव लार्जर एंड बिगर मसल्स इन द कंपैरिजन टू द फीमेल्स. विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सच एज वेट ट्रेनिंग वी इम्प्रूव वी कैन साइज ऑफ मसल्स मसल्स कैन बी इंक्रीज. हम इस साइज मसल्स के साइज को बढ़ा सकते हैं वेट ट्रेनिंग के द्वारा और डिफरेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के द्वारा, राइट? एंड देयरफॉर स्ट्रेंथ इज इंप्रूव. सो स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ मसल. सो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ का निर्धारण हम साइज ऑफ मसल यानी कि मसल्स के साइज से कर सकते हैं, राइट? दैट इज द फिजियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ. एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम किससे निर्धारित कर सकते हैं? बॉडी वेट. यस, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट वी डिसाइडेड डिटरमाइनिंग द मस्कुलर स्ट्रेंथ. इट इज ऑल्सो अ वेल नोन दैट द इंडिविजुअल हु आर हैवियर एंड जनरली स्ट्रोंगर देन द इंडिविजुअल हु आर लाइटर. हम जान सकते हैं कि जो बंदा हल्का फुल्का होता है उसकी तुलना में जो बंदा हैवी होता है, बॉडी वेट जिसका ज्यादा होता है उसमें ज्यादा ताकत हो सकती होती है. देर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन बॉडी वेट एंड स्ट्रेंथ. ये पॉजिटिव कोरिलेशन होता है बॉडी वेट और स्ट्रेंथ के बीच में. जैसे कि आप जानते हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टर होते हैं, हैवियर होते हैं, इसलिए वो हैवी लिफ्ट अप कर सकते हैं. सो उनके मसल्स का स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा होती है अकॉर्डिंग इन कंपेरिजन ऑफ लाइटर जो मैन होते हैं, यानी कि जिनके बॉडी वेट लाइट होता है. नेक्स्ट है नंबर 3, मसल्स कंपोजिशन. वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स इन अवर मसल्स. नंबर 1 है फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स एंड स्लो ट्विस्ट फाइबर. फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स को हम व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं और स्लो ट्विस्ट फाइबर को हम रेड फाइबर्स बोलते हैं. हमारी बॉडी में मसल्स में दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द मसल्स, राइट? द फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स आर कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट फास्टर. यानी कि जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स होते हैं, यानी कि व्हाइट
फाइबर्स होते हैं वो मोर कैपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट फास्ट तेज गति से कॉन्ट्रैक्ट होने में, देयरफॉर दे कैन प्रोड्यूस मोर, इसी वजह से वो ज्यादा बल प्रोड्यूस करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी स्लो स्ट्विस्ट फाइबर आर नॉट कैपेबल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग फास्ट, यानी कि फास्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट होने में कम होते हैं, इस तरह से वो दे आर कैपेबल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि लंबी दूरी की दौड़ने अगर दौड़नी है तो उसके अंदर स्लो स्ट्विस्ट फाइबर्स होते हैं। द मसल्स विच हैव मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट, जिसके अंदर फास्ट स्ट्विस्ट फाइबर्स ज्यादा होते हैं वो बहुत अधिक स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ फास्ट स्ट्विस्ट फाइबर्स एंड स्लो स्ट्विस्ट फाइबर्स जेनेटिकली डिटरमाइंड, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर जेनेटिकली, ये गॉड गिफ्ट कहें या जेनेटिकली कहें जो कि हम ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं एंड वी कैन नॉट चेंज भी थ्रू द ट्रेनिंग, एंड हम ट्रेनिंग के द्वारा भी इसको चेंज नहीं कर सकते। सो इट कैन बी सेड, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द परसेंटेज ऑफ दिस फाइबर डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्सन, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हम एक बंदे की परसेंटेज सॉरी एक बंदे में हम जो स्ट्रेंथ का जो निर्धारण करेंगे वो हम इसकी मसल्स कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स, द मसल्स इज कंपोज अ नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स, यानी द टोटल फोर्स ऑफ मसल्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव मोटर यूनिट्स, वेन एवर स्ट्रॉन्ग मसल्स नर्व इंपल्स होगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्साइट मोर नंबर ऑफ मोर यूनिट करेगा और मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट मोर स्ट्रॉन्गली, अगर वो हल्की हैं छोटी हैं तो उसका जो मोटर नर्व इंपल्स है वो भी स्लो होगा, तो ये पॉइंट भी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर फोर पॉइंट्स हु डिटरमाइन द स्ट्रेंथ मसल्स ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज द फिजियोलॉजिकल फैक्टर हु डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन द स्पीड, स्पीड को निर्धारित करने वाले वैसे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसके जो स्पीड का निर्धारण करते हैं कि किस में कैसे स्पीड होती है, इसको कैसे घटाया बढ़ाया जा सकता है, कुछ जेनेटिकली होते हैं या इनको हम ट्रेनिंग के द्वारा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो सेकंड जो फिजियो हमारा कंपोनेंट्स है वो है स्पीड, नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जो चैप्टर हमने पढ़ाए हैं जो भी टॉपिक हमने पढ़े उसके हम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वी शुड मेक एंड नोट डाउन इन आवर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।